बीएमसी हेडक्वार्टर में एनसीपी मंच से कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मिलकर एक मोर्चा निकाला है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस मोर्चे का क्या उद्देश्य है। मुंबई के जो महापौर है उन्होंने वो बस्ती में जब बिजली का झटका लग के दो लोगों की मृत्यु हुई थी तब महापौर वहाँ गए थे। जब महिलाओं ने उनको पूछा कि किस तरह के महापौर आप क्यों कर रहे हैं, ये कैसा हो रहा है मुंबई में इतना पानी भर रहा है, तो उन्होंने उस महिला का हाथ मरोड़ दिया और उसको बोला इधर मैं कौन हूँ मालूम है ना तुमको, ये दादागिरी नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो महापौर पे बत पे बैठा हुआ आदमी है वो इस तरह से महिलाओं से अगर बर्ताव करता है और उसके आगे शिवसेना उसको बचाती है और ये बोलती है कि ये महिला ने ऐसा कहा ही नहीं, उसका स्टेटमेंट दिया कि मेरा हाथ अच्छी तरह से उन्होंने साइड में किया, यानी महिलाओं के ऊपर दबाव डालने का ये जो शिवसेना है कि शिवसेना पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए इनको हटाना चाहिए। और इसी के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, मनसे सब लोग हम साथ में हैं और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को वार्निंग दी है कि अगर इनकी मुदत नहीं बढ़नी चाहिए, इनको हटाना चाहिए। अगर इनको नहीं हटाएंगे तो हमारा अगला आंदोलन मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले पे नहीं तो मंत्रालय में होगा। जब तक नहीं हटाते तब तक हम लोग ठिया आंदोलन वहाँ पर करेंगे। हमारा यही कहना है कि जब से भाजपा और शिवसेना का राज आया तो महिला का सम्मान तो नहीं, वो सुरक्षित भी नहीं है, अत्याचार के घटनाएँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये जो घटनाएं हैं ये इसका भी हम लोग तीव्र निषेध करते हैं। इस मोर्चे की यही मांग है कि महिला के साथ दुष्व्यवहार करने के आरोप में महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर को उनके पद से निकाला जाए। कैमरामैन प्रज्ञा के साथ में दिव्या भारती, महामुंबई न्यूज़।